साल 2016 में एक खबर फैली थी कि जापान में इंसानी मांस परोसने वाला रेस्टोरेंट खुल गया है। ये दावा किया जा रहा था कि इस रेस्टोरेंट में इंसानों का मांस परोसा जाता है। आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? एक इंसान दूसरे इंसान को खाएगा, ये सोच कर तो रूह कांप जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई कि क्या वास्तव में जापान के टोक्यो में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुल रहा है जिसमें खाने में इंसान का मांस दिया जा रहा है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स का दावा भी है कि जापान में इंसान का मांस खाने को 2014 में मंजूरी मिल चुकी है, मतलब 2014 के बाद से कोई भी वहाँ पे इंसान का मांस खा सकता है। इस रेस्टोरेंट का नाम है दी रेसोतो ओतोतो नोसोकु रोहिन, यानी इडिबल ब्रदर्स बताया जा रहा था, जहाँ पर इंसान के मांस के बने व्यंजन परोसे जाने की अफवाह थी। ये भी कहा जा रहा था कि इसकी कीमत 100 यूरो यानी कि 7600 रुपए से लेकर 1000 यूरो यानी कि करीब 76000 रुपए तक रहेगी। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि वो इंसान के मीट में ऐसे मसाले डालते हैं जिनसे उसका बुरा स्वाद दूर किया जा सके। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा था कि मरने के पहले लोग अपना शरीर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस रेस्टोरेंट को बेच देते हैं। एक इंसान के शरीर की कीमत $35,800 यानी करीब 23-24 लाख रुपए तक तय की जाती है। जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लोग रेस्टोरेंट से कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ले लेते हैं और फिर मृतक का शव उन्हें दे दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसे मिलते हैं जो कम उम्र में ही मर जाते हैं। अब कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिन्होंने इन दावों को झूठा साबित कर दिया है और कोरी अफवाह बताया है। इस अफवाह को हवा देने का काम एक आर्टिकल ने किया था जो 12 जुलाई 2016 को ह्यूमर के लिए मशहूर ला वोस पॉपुलर में छापा गया था। दरअसल इस स्टोरी को अप्रैल फूल डे यानी 1 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था, जिसे पूरी दुनिया की मीडिया ने अलग अलग तरीके से सच मानते हुए पब्लिश कर दिया। स्टोरी में रेसिडेंट एविल 6 ज़ॉम्बी वीडियो गेम के लिए बनाए गए पुतलों की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिनसे यह अफवाह भी सच्ची लगने लगी। हॉलीवुड की कुछ डरावनी फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को खाता है, लेकिन कुछ जगहों में ये वास्तव में देखा गया है। 1972 में एक प्लेन क्रैश के दौरान 16 लोग 71 दिनों तक खुद को जिंदा बचाने में सफल रह सके थे। उन्हीं में से एक थे पेड्रो एलगोर्टा, जिनके पास इंसानी मांस खाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो 71 दिनों तक इस प्लेन क्रैश में मारे गए अन्य लोगों के बर्फ में जमे हुए हाथ और पैर आदि खाकर खुद को जिंदा बचाने में सफल हो सके। इतना ही नहीं, बनारस के अघोरी भी मुर्दा लोगों को खाते हैं। यूं तो ये अधिकतर देशों में गैर कानूनी है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।